दिल्ली सरकार ने विशेष उच्च योग्यता वाले दिव्यांग व्यक्तियों को 5,000 रुपए मासिक वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। दिल्ली सरकार की सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। समाज कल्याण मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि ऐसा करने वाला दिल्ली पहला राज्य है। उन्होंने कहा है कि जिनके पास 60% से अधिक दिव्यांगता की पुष्टि करने वाला चिकित्सा प्रमाण पत्र होगा वो इसके हकदार होंगे। जल्द ही पात्र व्यक्तियों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होगी। वर्तमान में दिल्ली सरकार 1.20 लाख दिव्यांगों को मासिक पेंशन देती है। इसमें वो दिव्यांग शामिल हैं जिनके पास 42% से अधिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है। उन्हें हर माह सरकार से 2,500 रुपए मासिक मिलता है। अब सरकार ने विशेष उच्च योग्यता वाले दिव्यांगों के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है। इस फैसले से 10,000 दिव्यांगों को लाभ मिलेगा। सरकार की ओर से बताया गया है कि इसे तत्काल लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली में लगभग 2.44 लाख से अधिक लोग दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार इनमें से लगभग 9,500 से 10,000 लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्सन विद हाई स्पेशल नीड्स कहा जा सकता है। इस समय दिल्ली सरकार 1,20,000 दिव्यांगजनों को पेंशन देती है जिनकी दिव्यांगता 42% से अधिक है और UDID कार्ड बनता है जिससे उन्हें पेंशन का अधिकार मिलता है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री को पत्र लिखकर पिछले साल वर्षों से लंबित पड़े वृद्धावस्था पेंशन के आवेदनों को स्वीकार करने की मांग की है। कहा, सरकार नए आवेदन स्वीकार करे तो कम से कम 80,000 नए लोगों को पेंशन मिल सकती है। उन्होंने कहा, वर्तमान में दिल्ली की वृद्धावस्था पेंशन योजना की अधिकतम सीमा 5.30 लाख लाभार्थियों की है। लाभार्थियों की संख्या पिछले 7 वर्षों से नहीं बढ़ी है। उन्होंने विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया था। विभाग द्वारा उन्हें पत्र भेजकर बताया गया है कि लाभार्थियों की संख्या को निर्धारित क्षमता सीमा पूर्ण होने के कारण नए आवेदन स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। निर्धारित सीमा में वृद्धि करना नीतिगत विषय है जिसका निर्णय कैबिनेट द्वारा किया जाता है। उन्होंने दावा किया है कि इस समय सरकार के पास लगभग 5 लाख नए आवेदन लंबित है। पेंशन प्राप्त करने वालों में से लगभग 80 वरिष्ठ नागरिकों की या तो मृत्यु हो गई है या फिर वो दिल्ली छोड़कर चले गए हैं। इनकी जगह पर 80,000 अन्य बुजुर्गों को पेंशन मिल सकती है। कहा, यदि सरकार ने 24 घंटे में सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो भाजपा विधायक बुजुर्गों के साथ आंदोलन करेगी।